शिवसेना और नवनीत राणा में चल रहे युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा है। हनुमान चालीसा पठन का आह्वान करने के बाद नवनीत राणा और रवि राणा मुंबई पहुंचे और वहां जो हुआ पूरे महाराष्ट्र ने देखा। इसके बाद दोनों पर मामला भी दाखिल हुआ। अभी ये दोनों न्यायालयीन हिरासत में हैं। ये मामला जब मुंबई में हुआ तब सेना प्रवक्ता संजय राउत नागपुर में थे। नागपुर में रवि राणा और नवनीत राणा को बंटी बबली कहा गया था, साथ ही और भी वक्तव्य उन्होंने किए थे। इसी वक्तव्य को लेकर नवनीत राणा ने अपने स्वीय सहायक और वकील दीप मिश्रा द्वारा मंगलवार को शहर पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार को संजय राउत के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। नवनीत राणा संजय राउत पर मामला दर्ज कराने की मांग की है। खासदार संजय राउत यांनी नागपूर येथे जी पत्रकार परिषद घेतली त्यामध्ये त्यांनी खासदार नवनीत रवी राणा आणि आमदार रवी राणा यांना आम्ही 20 फूट गड्ढ्यात गाळून टाकू आणि त्यांनी आपल्या गोऱ्या स्मशानात रचून ठेवल्या पाहिजे असं म्हटलं होतं। त्याचप्रमाणे खासदार संजय राऊत यांच्या चिथावणीवरून शिवसेनेच्या एका कार्यकर्त्याने खासदार नवनीत राणा यांना चोर चांभार असे संबोधित आहे। खासदार संजय राऊत यांना पूर्णपणे माहीत आहे की खासदार नवनीत राणा या दलित आहेत आणि त्या राखीव मतदारसंघातून निवडून आलेले आहेत। असे असतानासुद्धा त्यांनी खासदार नवनीत राणा यांना बंटी बबली असे म्हणून संबोधले, तसे 420 सुद्धा म्हटले। एका दलित महिलेच्याबद्दल असे अपमानास्पद उद्गार खासदार संजय राऊत यांनी काढले, म्हणून त्यांच्यावर अनुसूचित जाती जनजाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याखाली गुन्हा नोंदविण्यात यावा याकरिता आज आम्ही नागपूरचे पोलीस आयुक्त श्री अमितेश कुमार यांची भेट घेतली व त्यांना खासदार नवनीत राणा यांच्या सहीनिशी तक्रार दाखल केली। राउत के खिलाफ में एक FIR दर्ज करके गए, क्या पूरा मामला? उन्होंने एक तकरार अर्ज दी है, उसकी हम चौकसी कर रहे हैं। चौकसी के बाद आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।